हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो प्रीवियस लेक्चर में यानी लेक्चर नंबर 47 में हमने डिस्कस किया था डिटरमिनेंट्स ऑफ सप्लाई। आज के इस लेक्चर में यानी लेक्चर नंबर 48 में हम डिस्कस करने जा रहे हैं लॉ ऑफ सप्लाई। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक इकोनॉमिक्स की दुनिया का, दैट इज लॉ ऑफ सप्लाई। ये एक फुल फ्लेज क्वेश्चन 8 मार्क के लिए पूछा जाता है फाइनल बोर्ड एग्जाम में। याद रखेंगे लॉ ऑफ सप्लाई 8 मार्क्स। तो चलिए शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन। द लॉ ऑफ सप्लाई इज ऑल्सो अ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स थ्योरी। यानी बेसिक ही है, जिस तरह अगर आपको इकोनॉमिक्स पढ़ना है तो लॉ ऑफ सप्लाई के बगैर इकोनॉमिक्स पूरा नहीं हो सकता। जिस तरीके से आपने पढ़ा लाइक लॉ ऑफ डिमांड, जिस तरह से आपने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा उसी तरीके से आपको लॉ ऑफ सप्लाई को भी पढ़ना होगा। इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल। इनका नाम तो हमेशा आपको याद ही रखना है, प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल का नाम आपको हमेशा याद रखना है। लॉ ऑफ डिमांड को प्रेजेंट करने वाले भी प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल थे और लॉ ऑफ सप्लाई को भी एक्सप्लेन करने वाले, इंट्रोड्यूस करने वाले प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ही हैं, जिन्होंने अपनी बुक लिखी। इन हिज बुक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, इस बुक के बारे में हमने आपको पहले प्रीवियस लेक्चर में बहुत बताया जब लॉ ऑफ डिमांड पढ़ाया था, और विच वॉज पब्लिश इन द ईयर ऑफ 1890। ये ईयर भी आपको याद रखाया गया था, आपको याद रखना ईयर 1890, ठीक है। ये जो बुक उन्होंने लिखी प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने, जिसका नाम था प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, और ये बुक पब्लिश हुई है 1890। ये सब चीजें आपको याद रखनी है, मोटी मोटी चीजें, ताकि आपको ऑब्जेक्टिव में भी कोई डिफिकल्टी ना हो। द लॉ एक्सप्लेन्स फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड इट्स क्वांटिटी सप्लाई। अब हम किसके बीच में रिलेशनशिप पढ़ रहे हैं, अल्फ्रेड मार्शल सर ने क्या बताया यहाँ पे, इन्होंने रिलेशनशिप बताया किसके बीच में, प्राइस के बीच में, और किसके बीच में, क्वांटिटी सप्लाई के बीच में। जब हम लॉ ऑफ डिमांड पढ़ रहे थे तो हम पढ़ रहे थे प्राइस और डिमांड के बीच में सब रिलेशनशिप। अब हम पढ़ रहे हैं प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई के बीच में रिलेशनशिप, जो कि कैसा होगा चलिए देखते हैं। स्टेटमेंट ऑफ द लॉ, क्या लिखा है अल्फ्रेड मार्शल सर ने उस बुक में, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स नामी बुक में, जो कि 1890 में पब्लिश हुई। उस बुक में उन्होंने स्टेटमेंट लिखा, स्टेटमेंट है अदर थिंग बीइंग रिमेन कांस्टेंट। या अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट, ये आपको चीजें याद ही होगी कि भाई लॉ कभी भी स्टार्ट होता है तो एक अजम्पशन से स्टार्ट होता है, वो अजम्पशन का नाम ही है अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट। यहां से हमारा स्टेटमेंट स्टार्ट हो रहा है, हायर द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी मोर इज द क्वांटिटी डिमांडेड, क्वांटिटी सप्लाइड। यानी जिस प्रोडक्ट का प्राइस ज्यादा होगा एक मैन्युफैक्चरर उसको उतना ही ज्यादा बनाएगा, एक ट्रेडर उसको उतना ही ज्यादा ट्रेड करेगा, एक सप्लायर उसको उतना ही ज्यादा सप्लाई करेगा। एंड लोअर द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी लेस इज द क्वांटिटी सप्लाइड। और अगर उस प्रोडक्ट का प्राइस कम हो जाएगा तो एक मैन्युफैक्चरर, एक ट्रेडर, एक सप्लायर उसको कम बेचेगा। इट मींस क्या प्रूव हुआ कि हायर द प्राइस, हायर द क्वांटिटी सप्लाई, लोअर द प्राइस, लोअर द क्वांटिटी सप्लाई। अरे भाई बहुत ही ज्यादा सिंपल है कि अगर अगर हम एक मैन्युफैक्चरर हैं और जिस प्रोडक्ट का प्राइस ज्यादा होगा हम उसको ज्यादा बनाने की कोशिश करेंगे, ज्यादा बेचने की कोशिश करेंगे। जिस प्रोडक्ट का प्राइस कम होगा उसमें उसको हम कम बेचने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि उसमें कमाने के लिए मार्जिन कम होगा, कमाने के लिए प्रॉफिट कम होगा, इसलिए हम उसमें सप्लाई भी कम करेंगे। चलिए इन सिंपल वर्ड्स, अदर फैक्टर रिमेनिंग कॉन्स्टेंट, अ राइज इन प्राइस रिजल्ट इन टू राइज इन द क्वांटिटी सप्लाई। अगर प्राइस इंक्रीज होगा तो क्या होगा, क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगा, एंड वाइस वर्सा यानी उसका उल्टा। प्राइस इंक्रीज होगा तो सप्लाई इंक्रीज होगा, प्राइस डिक्रीज होगा तो सप्लाई भी डिक्रीज हो जाएगा। दस देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई। तो इससे क्या क्लियर हो गया हमें कि यहाँ पे प्राइस और सप्लाई के बीच में कैसा रिलेशनशिप है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है। आई होप आपको इसका मतलब पता होगा, डायरेक्ट रिलेशनशिप, या हम कह सकते हैं पॉजिटिव रिलेशनशिप। पॉजिटिव रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है, डायरेक्ट रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है, जब दो वेरिएबल सेम डायरेक्शन में इंक्रीज होते हैं या फिर सेम डायरेक्शन में डिक्रीज होते हैं तो इसे हम कहते हैं पॉजिटिव रिलेशनशिप। तो प्राइस और सप्लाई के बीच में कैसा रिलेशनशिप है, नेगेटिव रिलेशनशिप, फॉल्स, क्योंकि प्राइस और सप्लाई के बीच में कैसा रिलेशनशिप है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है, पॉजिटिव रिलेशनशिप। नाउ सिंबॉलिकली कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा इसे देख ले सिंबॉलिकली। सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट एक्स इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ प्राइस एक्स, यानी एस मींस सप्लाई, वाई मींस कमोडिटी, कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है, एक्स वाई जेड कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है, एफ मींस फंक्शन एंड पी मींस प्राइस ऑफ कमोडिटी। तो एक तरीके का समझ लिए फॉर्मूला बन गया, जिस तरीके से क्वांटिटी का था, याद है आपको,
डिमांड का भी था यहाँ पे, जिस समय डिमांड पड़ा था फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ प्रोडक्ट एक्स, ऑब्वियसली क्वांटिटी डिमांड भी किस पे डिपेंड कर रहा था, प्राइस पे डिपेंड कर रहा था, इसी तरीके से क्वांटिटी सप्लाई भी किस पे डिपेंड कर रहा है, फंक्शन कर रहा है, डिपेंड कर रहा है किस पे, प्राइस ऑफ उस प्रोडक्ट एक्स पे, यानी जिस प्रोडक्ट का प्राइस उसी प्रोडक्ट का सप्लाई डिपेंड करता है। क्लियर एवरीवन? सिंबॉलिकली भी क्लियर हो गया सबको कि हमने क्या पढ़ा, सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट एक्स विल बी डिपेंडेंट ऑन द प्राइस ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। नाउ अजम्पशन ऑफ द लॉ, अगर अगेन आपने लॉ पढ़ना है तो कभी भी लॉ आपको पता है अजम्पशन के बगैर कोई भी लॉ पूरा नहीं होता। हर लॉ को पढ़ने के लिए आपको उसके अजम्पशन पढ़ने पड़ेंगे। लॉ को स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ों को बातें में, कुछ चीज़ों को, कुछ फैक्टर्स को हम मान लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं, जो कि रियल नहीं होते हैं, लेकिन हम फिर भी उसको रियल मान लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं। अज्यूम कर लेते हैं मीन्स उन फैक्टर्स को हम रियल मान लेते हैं। क्यों रियल मान लेते हैं? जस्ट टू प्रूव द लॉ। अजम्पशन का मतलब होता है कुछ ऐसे फैक्टर्स जो रियल नहीं है, हम उनको रियल मान लेते हैं इन ऑर्डर टू प्रूव दैट पर्टिकुलर लॉ। लॉ को प्रूफ करने के लिए हमने उन फैक्टर को रियल मान लिया। सबसे पहला कौन सा फैक्टर है? वो सबसे पहला अजम्पशन है कांस्टेंट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। पॉइंट नंबर वन, कांस्टेंट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इट इज अज्यूम दैट देयर इज नो चेंज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। यानी हमने जब प्रोडक्ट बनाना शुरू किया था तब हमारा प्रोडक्ट 10 रुपए का था, उसके बाद हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगेन 10 रुपए का, उसके बाद आने वाले समय में हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगेन 10 रुपए का, अगेन 10 रुपए का। यानी हम सालों साल अपना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन चेंज नहीं कर रहे हैं। पहले का जितना रॉ मटेरियल मिल रहा था अभी भी उतने का मिल रहा है। रियलिटी में ऐसा होता है क्या? नहीं होता। ऑब्वियसली प्रोडक्ट का प्राइस चेंज होता है, रेंट चेंज होता है, मटेरियल का प्राइस चेंज होता है, तो जिससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी चेंज होता है। लेकिन हमने अज्यूम कर लिया कि भाई प्रोडक्ट का जो कॉस्ट है यानी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कॉन्स्टेंट है। क्यों अज्यूम कर लिया, ऐसे क्यों अज्यूम कर लिया, देखिए आपको समझ में आ जाएगा। अ चेंज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विल अफेक्ट द प्रॉफिट ऑफ द सेलर। क्योंकि अगर हमने मान लिया कि भाई पहले हम प्रोडक्ट बना रहे थे 10 रुपए का और उसको 12 रुपए में सेल कर रहे थे, तो अगेन आपको पता होगा हम 2 रुपए प्रॉफिट कमा पा रहे। लेकिन अगर आपने अज्यूम कर लिया कि आने वाले दिनों में प्राइस बढ़ गया, प्रोडक्ट का प्राइस तो सेम होगा, हम ज्यादा प्राइस नहीं चार्ज कर सकते, तो अगेन आप देखेंगे आपका प्रॉफिट मार्जिन डिक्रीज हो गया 1 रुपया। अगेन अगर आप सोचेंगे प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज होगा 12 रुपीज और बेच भी रहे 12 रुपीज में, तो आपका मार्जिन जो है 0 हो गया। अगेन अगर आप सोचेंगे कि हम बना रहे उसको 13 रुपीज में, सेल करें 12 रुपीज में, तो आपको 1 रुपए का लॉस हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई प्रोडक्ट तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो सालों साल चेंज होता रहता है, जिसकी वजह से प्रोडक्ट का कॉस्ट बढ़ता रहता है और मार्जिन भी चेंज होता रहता है। तो अगर हमने ये मान लिया कि अगर हमारे प्रोडक्ट का प्राइस चेंज हो रहा है तो हम लॉ को प्रूफ नहीं कर पाएंगे। हमें लॉ को प्रूफ करने के लिए मानना पड़ेगा कि हमारे प्रोडक्ट का प्राइस कॉन्स्टेंट है। कॉन्स्टेंट मीन्स वॉट? हमारे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन चेंज नहीं हो रहा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पहले भी 10 था, अभी भी 10 है और आने वाले समय भी 10 ही होगा। क्यों? क्योंकि हमें प्रोडक्ट का मार्जिन डिसाइड करना है जो कि 12 रुपीज है और 2 रुपीज हमारा मार्जिन है, प्रॉफिट का पार्ट है। ठीक है? Therefore, the lost quantity will be supplied at the same price. और इससे क्या इंपैक्ट होगा? लॉ को प्रूफ करने में मदद नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि अगर हमारा प्रॉफिट का मार्जिन डिक्रीज हो जाएगा तो कोई भी सप्लायर उस प्रोडक्ट को सप्लाई नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि भाई ज्यादा प्राइस कमाने मिलेगा, ज्यादा प्रॉफिट अर्न करने मिलेगा, तभी कोई सप्लायर उस प्रोडक्ट को ज्यादा सप्लाई करेगा। तो जिस प्रोडक्ट में प्राइस या मार्जिन कम होगा तो ऑब्वियसली सप्लायर उसको बेचेगा नहीं, तो लॉ प्रूफ नहीं होगा। तो लॉ को प्रूफ करने के लिए हमने अज्यूम कर लिया कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमारे प्रोडक्ट का जो कॉस्ट है वो सेम ही है। क्लियर हो गया कॉन्स्टेंट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, पॉइंट नंबर वन अजम्पशन। चलिए बढ़ते हैं पॉइंट नंबर टू, कॉन्स्टेंट टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। अब इससे क्या फर्क पड़ता है? ऑब्वियसली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हर कंपनी, हर फर्म, छोटी बड़ी कंपनी अपनी हैसियत के हिसाब से, अपने कैपिटल के हिसाब से टेक्नोलॉजी चेंज करती है, कुछ ना कुछ मशीनरी, कुछ ना कुछ इक्विपमेंट चेंज करती है। हम क्या अज्यूम कर रहे हैं कि हर कंपनी के पास जो टेक्निक है वो कॉन्स्टेंट है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो चेंज नहीं कर रहे हैं, उनके पास जो टेक्नोलॉजी है वो सेम है। क्यों? देखते हैं। इट इज ऑल्सो अज्यूम दैट टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन डज नॉट चेंज। हमने अज्यूम कर लिया कि टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन भी चेंज नहीं हो रही है। क्यों? इम्प्रूव टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन मे लीड टू एन इंक्रीज इन द प्रोडक्शन। तो ऑब्वियसली अगर हमने मान लिया कि पहले हम प्रोडक्ट हाथों से बना रहे थे, लेबर की मदद से बना रहे थे, और अगर हम अब मशीन से बनाने लगेंगे, वो भी एडवांस मशीन से, अगर हमने अज्यूम कर लिया तो क्या होगा? तो हमारी प्रोडक्शन की कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी, और जब प्रोडक्शन की कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी तो उससे क्या होगा?
दिस टर्न में लीड टू एन इंक्रीज इन द सप्लाई एट द सेम प्राइस। तो अगर हमने ज्यादा प्रोडक्ट बना के रख लिया, क्वांटिटी ज्यादा प्रोड्यूस कर ली, तो ऑब्वियसली अब हम इसे ज्यादा प्राइस में बेच नहीं पाएंगे। क्यों नहीं बेच पाएंगे? क्योंकि अगर ज्यादा हमने बना दिया है तो हमें उसे बेचना ही पड़ेगा, मार्केट में रिलीज करना पड़ेगा। तो हमने क्या अज्यूम कर लिया, हम जितना क्वांटिटी बना रहे थे, एग्जाम्पल के अगर हम 100 kg बना रहे हैं तो हम हर साल 100 kg ही बना रहे हैं। कोई भी टेक्नोलॉजी यूज कर लीजिए, हम हर साल 100 kg ही बना रहे हैं। क्योंकि अगर आपने मान लिया कि अगर आपका प्रोडक्शन क्वांटिटी या टेक्निक इंप्रूव हो गई तो आपका ये प्रोडक्शन भी इंप्रूव हो जाएगा, और अगर इंप्रूव हो जाएगा तो ज्यादा इंप्रूव होगा, ज्यादा आपको बेचना पड़ेगा, और मार्केट में ज्यादा बेचेंगे तो ऑब्वियसली प्राइस, प्रोडक्ट का प्राइस जो है कम हो जाएगा, मार्जिन जो है कम हो जाएगा। तो हमने क्या अज्यूम कर लिया कि हम अपने टेक्निक को भी चेंज नहीं कर रहे हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, हमारी प्रोडक्शन की टेक्निक भी सेम है, कॉन्स्टेंट है। क्लियर एवरीवन? चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड वन, नो चेंज द वेदर कंडीशन, यानी जो क्लाइमेट की बात करें उसकी बात करें। इट इज अज्यूम दैट देयर इज नो चेंज इन द वेदर कंडीशन, वेदर कंडीशन भी चेंज नहीं हो रहा है। अगर हमने अज्यूम कर लिया कि हमारा प्रोडक्ट रेनी सीजन का है तो साल भर रेन ही हो रहा है, हमें अज्यूम करना पड़ेगा। क्यों? नेचुरल क्लाइमेटीज लाइक फ्लड, अर्थक्वेक एक्सेट्रा में डिक्रीज द सप्लाई। आपको पता है कि नेचुरल क्लाइमेटी से बाढ़, सुनामी, कहत, सूखा पड़ जाने की वजह से क्वांटिटी सप्लाई में फर्क पड़ सकता है। तो हमने मान लिया कि अगर हमारे कंट्री में सब कुछ कांस्टेंट चल रहा है, खुशहाल चल रहा है, वेदर अच्छा है, क्लाइमेट अच्छा है, बारिश अच्छी हो रही है, तो हमें मानना पड़ेगा कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये सब ठीक ही हो रहा है। लेकिन आपको पता है ऐसा रियलिटी में कभी नहीं होता कि हमारी कंट्री में हर जगह सब सही चल रहा हो। कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह पे वेदर का कोई ना कोई एटमोसफियर किसी तरीके से, कहीं ज़्यादा सूखा पड़ रहा है, कहीं ज़्यादा बारिश हो रही है, जिसकी वजह से क्वांटिटी सप्लाई पे फर्क होता है, इम्पैक्ट होता है। हमने लॉ को आइडेंटिफाई करने के लिए, लॉ को सिंप्लीफाई करने के लिए, लॉ को समझने के लिए अज्यूम कर लिया है कि हमारा क्वांटिटी सप्लाई जो चेंज नहीं हो रहा है क्योंकि हमारा वेदर भी चेंज नहीं हो रहा है। तो ये था पॉइंट नंबर 3, नो चेंज इन क्लाइमेट और वेदर कंडीशन। चलिए पढ़ते हैं पॉइंट नंबर 4, नो चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी। आपको पता है कि गवर्नमेंट की पॉलिसी पल दो पल चेंज होती रहती है। अगर हम यहाँ और आप हैं तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई रूल, कोई ना कोई डिपार्टमेंट का, कोई ना कोई टैक्स का रूल बन रहा होगा, चेंज हो रहा होगा, ठीक है। तो ये रूल तो सालों साल इम्प्रूव थोड़ा बहुत होता रहता है, कहीं होता है, कहीं ज्यादा होता है, कहीं कम होता है, कहीं इतना बड़ा होता है कि हमें पता चल जाता है, कहीं इतना छोटा हमें नहीं पता चलता है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं, देयर इज नो चेंज इन द गवर्नमेंट पॉलिसी। इट इज ऑल्सो अज्यूम दैट द गवर्नमेंट पॉलिसीज लाइक टैक्सेशन पॉलिसी, ट्रेड पॉलिसी रिमेन अनचेंज। तो हमने अज्यूम कर लिया कि भाई गवर्नमेंट की टैक्सेशन पॉलिसी भी चेंज नहीं हो रही है, क्योंकि अगर आप मानेंगे टैक्स का अमाउंट या टैक्स का रेट चेंज हो रहा है, टैक्स की पॉलिसी चेंज हो रही है, तो टैक्स की वजह से प्रोडक्ट के प्राइस पे भी इम्पैक्ट होगा। लेट्स से प्रोडक्ट का प्राइस 10 rupees था, गवर्नमेंट ने पहले लगाया था 2 rupees, अब उसका जो ओरिजिनल सेलिंग प्राइस हमारे पास जो पड़ रहा था वो 12 rupees पड़ रहा था, लेकिन अगर हमने बनाया 2 rupees में और गवर्नमेंट ने टैक्स इंप्रूव कर दिया, टैक्स इम्पोज कर दिया 3 rupees, तो आप देख पा रहे प्रोडक्ट का कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगा। जब प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज हो जाएगा तो अब हाई प्राइस में आप सोचेंगे ज्यादा सप्लाई करना, तो आपको पता है कंज्यूमर इस पर रिएक्ट नहीं करेगा, क्योंकि आपने प्रोडक्ट का प्राइस कॉन्स्टेंटली इंक्रीज करते चला जा रहा है। आप नो डाउट एज अ मैन्युफैक्चरर आप ज्यादा प्रोडक्ट सेल करने में इंटरेस्टेड तो होंगे, लेकिन बट एज अ कंज्यूमर आप उसको खरीदेंगे नहीं, यानी आपका कंज्यूमर उस प्रोडक्ट को खरीदने में इंटरेस्टेड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप कॉन्स्टेंट अपने प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ा रहे हैं, तो आपको कंज्यूमर के बारे में भी सोचना है, तो आपका सप्लाई अपने आप डिक्रीज हो जाएगा अगर आपने प्राइस इंक्रीज किया तो। क्लियर? चलिए पढ़ते पॉइंट नंबर 5, देयर इज नो चेंज इन ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के बारे में बात करें कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी चेंज नहीं हो रहा। आपको पता है कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट चेंज होता है क्या? यस, ऑब्वियसली चेंज होता है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ट्रांसपोर्ट भी पहले सस्ता था, अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इंप्रूव होती चली जा रही है, जैसे जैसे साइंस और टेक्नोलॉजी इंप्रूव होती चली जा रही है, फास्टेस्ट मोड अवेलेबल है, फास्टेस्ट एयर ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है, तो जिसकी वजह से ट्रांसपोर्ट कॉस्ट में भी इम्पैक्ट होता है। लेकिन हमने क्या अज्यूम कर लिया, इट इज अज्यूम दैट देयर इज नो चेंज इन द कंडीशन ऑफ द ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज लाइक ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। यानी हमारा ट्रक पहले एक प्रोडक्ट को दूसरी जगह लेके जाने में 8,000 rupees का खर्चा लगाता था, अभी भी हमें 8,000 rupees का खर्चा हो रहा है, 8 साल पहले भी, 10 साल पहले भी, 2 साल पहले भी, और आज भी और आने वाले समय में भी वो कॉस्ट जो है वो 8,000 का ही रहने वाला है। देयर इज नो चेंज इन कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। फॉर एग्जाम्पल, बेटर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी इंक्रीज द सप्लाई एट द सेम प्राइस। अगर आपने मान लिया कि भाई ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी इंप्रूव हो रही है
तो आपको मानना पड़ेगा कि ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी इंप्रूव हो रही है तो क्वांटिटी ज्यादा मार्केट में पहुंच रही है, और जब अगर ज्यादा मार्केट में प्राइस वो क्वांटिटी पहुंचेगी तो ऑब्वियसली आपके प्रोडक्ट का प्राइस जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। और आपको क्या करना पड़ेगा, सेम प्राइस में ज्यादा क्वांटिटी को बेचना पड़ेगा। आपको पता है कि अगर प्राइस इंक्रीज होगा तो सप्लाई भी इंक्रीज होगा, लेकिन अगर आपने सप्लाई इंक्रीज कर दिया तो कॉन्स्टेंट प्राइस रखना पड़ेगा, अदरवाइज आपका कंज्यूमर जो है वो आपके प्रोडक्ट को रिजेक्ट कर देगा। चलिए बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 6, प्राइसेस ऑफ अदर गुड्स रिमेन अनचेंज या कॉन्स्टेंट। आपको पता है कि भाई कॉम्पिटिटर्स हमारे जो सामने वाले हैं, जो सब्सिट्यूट गुड्स अवेलेबल है मार्केट में, उन्होंने भी अपने प्रोडक्ट का प्राइस चेंज नहीं किया, ये हमने अज्यूम कर लिया। ऑब्वियसली आपको पता है कि भाई कॉम्पिटिटर का हम अपने प्राइस को कंट्रोल कर सकते हैं, कॉम्पिटिटर के प्राइस को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन हमने लॉ को प्रूव करने के लिए, लॉ ऑफ सप्लाई को प्रूव करने के लिए अज्यूम किया है कि भाई प्राइस ऑफ अदर गुड्स रिमेन कॉन्स्टेंट। कैसे, प्राइजेस ऑफ अदर गुड्स आर अज्यूम टू रिमेन कॉन्स्टेंट इफ द चेंज द लॉ ऑफ सप्लाई मे नॉट होल्ड टू बिकॉज प्रोड्यूसर मे ट्रांसफर रिसोर्सेस टू अदर प्रोडक्ट्स। आपको पता है कि भाई अगर हमारे पास, मेरे पास एज अ प्रोड्यूसर, मैं प्रोडक्ट ए भी बना रहा हूँ, प्रोडक्ट बी भी बना रहा हूँ, तो अगर मुझे प्रोडक्ट ए से ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है तो ऑब्वियसली मैं प्रोडक्ट बी को कम बनाऊंगा, उस पर कम ध्यान दूंगा। लेकिन 2 साल बाद सिचुएशन चेंज हो जाती है, मुझे प्रोडक्ट बी से ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए मिल रहा है तो मैं प्रोडक्ट ए पे कम ध्यान दूंगा, या हो सकता है बिल्कुल ध्यान नहीं दो, उसका प्रोडक्शन कम कर दिया जाए, उसकी सप्लाई कम कर दी जाए। इसलिए नहीं कि उसका प्राइस कम हो गया है, इसलिए कि उसका मार्जिन कम हो गया, इसलिए कि उसके कॉम्पिटिटर ज्यादा आ गए, इसलिए कि उसके कॉम्पिटिटर ने बहुत कम प्राइस चार्ज करने लगा है, जिसकी वजह से हमारा सप्लाई डिक्रीज हो सकता है। तो हमने अज्यूम क्या कर लिया, प्राइजेस ऑफ अदर गुड्स रिमेन कॉन्स्टेंट। क्लियर एवरीवन? चलिए लास्ट वन पढ़ते हैं, नो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। आपको पता है कि हर कंज्यूमर प्रोडक्ट खरीदते वक्त फ्यूचर के बारे में कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट करता है, इसी तरीके से हर मैन्युफैक्चरर भी प्रोडक्ट के बारे में कुछ एक्सपेक्ट करता है। कैसे, द लॉ ऑल्सो अज्यूम दैट द सेलर, ऑब्वियसली मैं पे सेलर की बात कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरर के बारे में बात कर रहे हैं, डू नॉट एक्सपेक्ट फ्यूचर चेंजेस इन द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। तो कोई भी मैन्युफैक्चरर प्रोडक्ट के प्राइस, फ्यूचर प्राइस के बारे में नहीं सोच रहा है, वो सोच रहा है कि अगर 8 रुपीज का है तो आने वाले समय में भी वो 8 रुपीज का होगा, उसके बाद भी वो 8 रुपीज का ही होगा, ये उसका एक्सपेक्टेशन है। क्लियर एवरीवन? ना ही प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज होते हुए अज्यूम कर रहा है, ना ही डिक्रीज होते हुए अज्यूम कर रहा है। कौन, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सेलर। जब हम लॉ ऑफ सप्लाई की बात करते हैं तो हम यहाँ पे प्रोड्यूसर के बारे में बात करेंगे, सेलर के बारे में बात करेंगे। जब हमने लॉ ऑफ डिमांड देखा था वहां पे हम कंज्यूमर के बारे में सोच रहे थे, कस्टमर के बारे में। जब हम लॉ ऑफ सप्लाई के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे सप्लायर के बारे में बात करेंगे, यहाँ पे हम प्रोड्यूसर यानी सेलर के बारे में बात करने वाले हैं। क्लियर एवरीवन? तो ये था लॉ ऑफ सप्लाई का कुछ इंट्रोडक्शन और उसके कुछ अजम्पशन। तो आने वाले लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में हम लॉ ऑफ सप्लाई का शेड्यूल देखेंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे और आगे कंटिन्यू करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप स्माइलिंग। थैंक यू वेरी मच एंड ऑफ कोर्स गुड बाय।